भाई सबसे पहले क्या दिखाए बॉबी देवल के साथ काम किया है सब उसको बिच्छू वाह 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 ले आए चूहा है उसकी अलामत बताता हूँ उसके कान खरगोश की तरह दुम उसकी चूहे की तरह टांगे उसकी कैंगरू की तरह मतलब ये चूहे के घर पे कैंगरू और खरगोश आया था और कैंगरू रेड इसलिए कहते हैं इसकी जो पिछली टांगे है ना वो कैंगरू की तरह जंप मार मार के उछल उछल के चलता है एक सेकंड भाई आप बोल रहे थे कोई घर से आ रहा है ये कौन है जानवर क्योंकि मेरी फैमिली गए ओहो अरे शपाटर गधा है शपाटर गधा शपाटर गधा स्टूडियो में ऐसा लगता है अपने लुक्स की वजह से जैसे एक बेबी डायनासोर हो आपका? ऐसा लग रहा है हार सिंगार किया लग रहा है ना कि बिल्कुल बेबी डायनासोर कोई जुरासिक पार्क मूवी से कोई जानवर निकल गया है ये क्या है ये है बॉल पाइथॉन ये तो वाकई बॉल की तरह हुआ हाँ तो इसी वजह से इसको कहते हैं बॉल दुनिया का नंबर वन बोलने वाले तोते की जो नस्ल होती है ना वो कहलाती है अफ्रीकन ग्रे पैर तीन सौ ऐसी ज्यादा अल्फाजों को याद कर सकते हैं कहाँ का ये अफ्रीका क्या बात है भाई वाह 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 बहुत खूबसूरत है ये है अल्बाइनो बर्मीज पाइथॉन पांच चूहे खाए हैं पांच चूहे खाए हैं पांच चूहे खाए हैं और इसका पेट बता रहा है हां ये देखें ना ये पूरा मेरे को अंदर चूहे महसूस हो रहे हैं कंधे में तोते जेब में चूहे, हाथों में शेर क्या बात है जिम्मी भाई आप है घबरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रहा था मैंने पता नहीं कौन कौन सी चीजें ऐड होगी और कहा ऐड हाँ, हो कीड़े भी आ गए बोला पॉज हो गया जी दो मुंह वाले जो काटते कम है चाटते ज्यादा है जाहिर है एक ये भी तो एक प्रॉब्लम तो है ना इंबोड़, लोगों इंबोड़ के इंबोड़ होता है, है। लोग अक्सर डेंटिस्ट के पास जाते हैं डॉक्टर साहब है। कीड़ा है दांत में बोलते हैं है। दर्द तो सही है तकलीफ सही बता रहे हो जगह सही नहीं बता रहे नहीं, कीड़ा, हाँ, कीड़ा, में है। में। <laughs> में। कीड़ा कहीं भी हो सकता है और जिम्मी भाई कैरियर से आप अल्लाह बताए ना जिंदगी मुलाकात हो गई बिल्कुल और आप ले आए हैं कोई नए किस्म के जानवर और आपने मुझे बताया नाजिर भाई धमाका कर दूंगा मैं आज आज, आज तो तो लेवल है, आज, है? आज तो जानवरों की जो लिस्ट है उसमें 90 जानवर है वाह ज्यादा लोगों ने देखे नहीं होगा और अगर देखे भी होंगे तो उनके बारे में पता नहीं होगा इन तरह कर रहे हैं ऐसा जानवर देखा ही नहीं है लोगों ने ज्यादातर अक्सरियत लोगों ने नहीं देखा देखा मैंने खुद नहीं देखा सच्ची बात है सच्ची बात है और मोजि खुआन ये एक जूलॉजिस्ट है और ये बाय प्रोफेशन जूलॉजिस्ट है बाय बर्थ भी जूलॉजिस्ट है ये बंदा पैदा ही ऐसा हुआ है और ये बंदे का काम ही जूलॉजिस्ट है और जूलॉजिस्ट भाई सबसे पहले क्या दिखाएंगे सर सबसे पहले जो है ना वो स्टार्ट करते हैं एक ऐसे जानवर से कोई, कोई बटन ना खोलिएगा नहीं डब्बा नहीं, 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 खोलेंगे डब्बा खोलेंगे और कुछ नहीं खोलेंगे ऐसे जानवर से स्टार्ट करेंगे जिसने बॉबी देओल के साथ काम किया है सब उसको जानते हैं सेलिब्रिटी 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 सर आहा आप बिच्छू वाह 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 और काला बिच्छू अच्छा काला बिच्छू जिसके बारे में बहुत सारी चीजें अभी डिस्कस करने वाले हैं यार ये तो बड़ी बड़ी बिस्मिल्लाह लोगों ने हाइये से भर भर के यहाँ से अंदरूनी सिंध गए थे और ये ढूंढने के लिए ये पता ये, चला था ये बड़ा करोड़ों लाखों रुपए का है यही तो सर लोगों को अवेयरनेस नहीं है इनके तो इस तरह के पाकिस्तान में क्या? और मैं शर्तिया कहता हूँ कि कितने लोग लुटे होंगे सर स्कैम ये चला था कि एक चीज वायरल हो गई थी बिच्छू जो है वो इतने ग्राम का होगा या इतने वेट का होगा तो लाखों या करोड़ों या अरबों रुपए का बिकेगा बिल्कुल निकली थी मैं आपको बता रहा हूँ लोग भर भर के खानदान के खानदान निकले थे लोग नफ्सिया हो गए सर इसके पीछे काम धंधे छोड़ के रेगिस्तानों में भटक रहे हैं शिकारियों को पैसे दे रहे हैं बड़ा लोगों ने पैसे गवाया अभी हुआ क्या ये स्कैम जो था ये एक ऐसा सिलसिला था कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ने पाकिस्तान के अंदर ये अफवाह फैलाई कि हम बिच्छू खरीद रहे हैं और बड़े महंगे खरीद रहे हैं ये वो कि कितनी तक की बोली लगी थी इसकी अफवाह की सर जो मेरी नॉलेज में है जो मुझे लोगों ने बताया है वो करोड़ों रुपए शायद दस करोड़ रुपए समथिंग लो कह रहे थे कि बिक रहा है मैंने नहीं देखा किसी को खरीदते हुए मैंने नहीं देखा किसी को बेचते हुए लेकिन एक बिच्छू की बात होगी एक बिच्छू हो अगर ऐसा होता तो मैं सर करोड़पति होता अभी लेकिन पति तो तुम हो पति अलमदुल्ला पति हो गए मुबारक हो शादी हो गई तुम्हारी ठीक है और ये मेरे हाथ में बैठा हुआ है सब ब्लैक स्कॉर्पियो डिस्क्लेमर सबसे जरूरी है एक तो बच्चे और कोई भी इस तरह की हरकत करने की कोशिश ना करें ये अवेयरनेस के लिए है आपको बताने के लिए तो कोई स्टंट नहीं है ये हम कोई स्टंट नहीं कर रहे हैं हाँ। और ये बैठा हुआ है और ये जहरीला जहरीला है सर बिच्छू जहरीले होते हैं अच्छा।, अच्छा ये इम्पीरियर स्कॉर्पियो है ठीक है अच्छा एक और मिसकनसेप्शन है कि बिच्छू इतना जहरीला होता है कि पत्थर तोड़ देता है उसका जहर तो ये हो जाता है ऐसा नहीं है एक स्कॉर्पियो ऐसा है के नाम से वो हमारे पास नहीं पाया जाता साउथ अफ्रीका नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाता है वो सिर्फ इतना जहरीला है कि जो इंसान को मार सकता है बाकी अल्लाह ना करे अगर ये वाला बिच्छू किसी को काटेगा तो शदीद दर्द कर, अच्छा। कर देगा या बीमार कर देगा या होगी सर आप ऐसा समझ ले कि गोली लगी हो बंदे को

कोई भी छिपकली आ रही है या कॉकरोच आ रहा है इसकी जो बेसिक मील है वो कीड़े वगैरह खाता है वगैरह खाता है तो उसको उनकी वाइब्रेशन दूर से महसूस कर लेते हैं एक मजे की एक और चीज बात बताऊं इसकी सबसे स्पेशल चीज अंधेरा गुप हो रात का बिल्कुल अंधेरा हो आप सिर्फ अल्ट्रा वायलेट जो लाइट होती है ना ब्लू कलर की आप वो सिर्फ ऑन करें और ये उसमें ग्लो करते हैं रात के वक्त इनको ढूंढने का सबसे आसान तरीका वैसे इसने काम बॉबी देहुल के साथ किया है लेकिन बनता है इसका सनी दे के साथ काम है क्योंकि वो जो आजकल फिल्में कर रहा है ना पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा अभी आप बता रहे थे एक तो ये बहुत बड़ा स्कैम था लोग इसके फ्रॉड में आ गए लोगों ने बहुत ज्यादा पैसे तो प्लीज बरा के पीछे ना पड़ा करें उससे इन जानवरों को शदीद नुकसान होता है हाँ। ये भी हमारे पास एक रेस्क्यू होकर आया और ये बिल्कुल एक बंदे के पास था और उसने हमें ला कर दिया और वो भी एक ऐसे ही स्कैम के अंदर आके उसने भी निकला ढूंढा हाँ हाँ उसने भी बड़ा महंगा किसी से खरीद लिया फिर उसका बिका ही नहीं उसने कितने का खरीदा था लाखों रूपये लाख के करीब पे पूछ ये लाख रुपए का बिच्छू उसने खरीदा ठीक है, है? लेकिन ये चीज़ देखे अभी ये काट क्यों नहीं रहा आपको सर ये अगर मैं इसको फ्रंट से अभी छेड़ूंगा ना तो ये फिर अपना डंक मारेगा अभी इसको उठाने का एक तरीका होता है उस तरीके से मैंने उठा के रखा है अगर गलत तरीके से उठाएंगे, तो मैं इसका शिकार हूँ ना मैं इसका शिकारी हूँ तो अभी मुझ पर अटैक नहीं कर रहा गलत तरीके से इसको हैंडल करूंगा ये अल्लाह ना करे मुझे अच्छा बात बताएं ये इसमें कितनी सदाकत है कि बिच्छू के बच्चे ही अपनी माँ को खा जाते हैं और हम यही सुनते हुए आ रहे हैं कि भाई बिच्छू के बच्चे और हमने देखे भी हैं कि इसकी है हाँ, बिल्कुल बैठे हुए होते हैं, हैं। वीडियोस अगर आप देखेंगे ना तो हाँ। नजर आएंगी कि बिल्कुल इसके एक तो ये ब्लैक कलर का बिच्छू है इसके बच्चे होते हैं व्हाइट कलर के सही है ठीक है जब ये बच्चे देती है तो बच्चे हो जाते हैं इसके पीठ पे सवार इसकी पूरी जो पीठ होती है ना वो इसके बच्चों से भरी हुई होती है अब देखने से जो वीडियोस आप देखेंगे अभी भी यूट्यूब पे आप करेंगे तो अपने माँ को खा रहे हैं बच्चे बिल्कुल ऐसे रेंग रहे होते हैं और इस तरीके से होता ही कि बिच्छू जो है अपनी स्किन शेड करते हैं पुरानी स्किन अपनी झाड़ते हैं न्यू स्किन इनकी बॉडी के नीचे पहले होती है बिल्कुल एक कवर की तरह होता है जैसे एक किताब के ऊपर प्लास्टिक कोडिंग हुई होती है ऐसे इनकी पूरी बॉडी के ऊपर ही स्किन की कोडिंग हुई हुई है पुरानी स्किन जब इसकी जड़ रही होती है और वो बच्चे इसके ऊपर आगे बैठे होते हैं तो वो अपनी माँ की जो पुरानी स्किन है ना उसको बाद वक़्त खाना शुरू कर देते हैं बज़ाहिर देखने से ऐसा लगता है कि ये बिच्छू के जो बच्चे हैं वो अपनी माँ को खा रहे हैं लेकिन ऐसा सच नहीं है ऐसा नहीं होता और बड़ी केयरिंग मदर होती है वो इसकी डेड डेड स्किन स्किन खा खा रहे होते खा रहे होते होते हैं हैं जो जो है ना बच्चों की फर्स्ट मील बनती है।, सही है और बच्चे जब तक उनकी जो बॉडी है इनफ स्ट्रांग नहीं होती तो तब तक वो अपनी माँ की पीठ से उतरते नहीं अच्छा ये कहाँ पाए जाते हैं इनकी उम्रें कहाँ तक होती हैं और ये साइज में कितने बड़े होते हैं सर साइज जो है ना मैटर करता है इनकी स्पीशीज पे

पाकिस्तान नॉर्थ साउथ अफ्रीका नॉर्थ अफ्रीका अमेरिका और बहुत सारे दूसरे ममालिक जैसे ईरान जहाँ पर डेजर्टिक एरियाज है उस तरह के एरियाज में पाए जाए आपने इसको उठाया कैसे तो सर इसको जो है एक तो हम ये चिमटे का यूज करते हैं दूसरा जो इसका डंक है ना वो, तो आपने इसको पीछे से ऐसे उठाना है ठीक है और इसको हम अभी बॉक्स में रख देते हैं अगर मैं फ्रंट से भी आऊँगा ना तो सबसे पहले तो इसने जो ना ये अपने जो कटर है इससे मेरी फिंगर ये है। एक से और ये कैंची से और जो है आप रेडी हो गया ये देखें अब ये हो जाएगा अग्रेसिव और ये जो ना बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और इसके बारे में एक और बड़ी जबरदस्त चीज है वो मैं अभी शेयर करता हूँ

एक और अजीब और गरीब चीज़ ये नशे के तौर पर भी यूज़ होता हुआ सुना है मैंने क्या मैं आपको एक सच्ची चीज़ बता रहा हूँ सुनी सुना ही नहीं बिल्कुल अपनी आंखों देखा और एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं एक शो कर रहा था और एक शो के लिए मुझे बुलाया गया था एक चैनल के ऊपर और वो उस शो का जो नाम था ना वो था बदल एक्सप्रेस न्यूज़ का वो शो था कुरतुल्हन इकरार इकरार अकरारसैन की जो वाइफ है वो उसकी होस्ट थी उस शो के अंदर मैं भी था वो मारते थे छापे एक जगह पर उन्होंने छापा मारा और वहां पर एक बंदा उन्होंने पकड़ा जो ब्लैक स्कॉर्पियो को सुखाकर सिगरेट में भरकर एज अ ड्रग लेता था ये शो ऑन रिकॉर्ड है और मुझे बड़ी उस दिन एक शौक हम मजाक में भी बोलते हैं छिपकली मार के नशा करना और ये सारी चीज ये वो चीज लोग ऐसा कर भी नहीं और मुझे घिन सी आती कि इतने जानवरों को आप क्यों इस तरीके से कर रहे दूसरा अभी एक मूवी आई थी मौला मौलाचट उसके अंदर जो विलन है वो भी दिखाया गया कि वो बिच्छू को पीस रहा है और उसका धुआं ले रहा है और ये भी उसके अंदर दिखाया गया तो मतलब ये चीजें भी शायद होती होंगी लेकिन मुझे कहीं पर नजर नहीं आता कि इस जानवर के साथ ऐसा करना क्यों जरूरी है समझ अपनी अपनी जगह ड्रग्स जगह और ये जो है ना ये रेगिस्तान के अंदर नॉर्मली पाए जाते हैं जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाते हैं अगर ये ना हो ना तो कीड़े मकोड़े की तादाद जरूर से ज्यादा बढ़ जाएगी इनका बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है ये है बहुत इम्पोर्टेंट रोल है तो फजूल में मारना भी नहीं चाहिए जब तक ये जानवर आपके लिए खतरा ना बने उसको मारे भी नहीं और ना ही इस तरह के स्कैम में शामिल हो तो उसको खरगोश कह सकते हैं है है, लेकिन ऐसी चीज़ मैंने भी पहली दफा देखी नादिर भाई नहीं करे क्या ले है चूहा है उसकी अलामत है बताता हूँ उसके कान खरगोश की तरह दुम उसकी चूहे की तरह टांगे उसकी कैंगरू की तरह hmm. मतलब चूहे के घर पे कैंगरू और खरगोश आया था समझ रहे बात को ये थ्री सम हो गया ताली मारे इस बात पर <laughs> नादिल भाई अच्छा ये रोडेंट फैमिली से होता है रोडेंट फैमिली कौन सी रोडेंट वो छोटे मैमल्स होते हैं जो कुतरने वाले जानवर होते हैं जैसे चूहे हो गए हेमस्टर्स हो गए तो ये उस फैमिली से और इस जानदार का नाम है जरबोआ भाई वाह, वाह 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 अजीब और गरीब चीज और जरबुआ और दूसरा नाम क्या बताया जरबुआ कैंगरू रेट

और ये रेगिस्तानों में रहते हैं सही है और बड़ी एक इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है रेगिस्तान के अंदर है ये कम्पलीटली वेजिटेरियन होते हैं ये घास वगैरह खाते हैं अब रेगिस्तान के अंदर खाने और पीने की कमी होती है तो ये क्या कहते हैं जब बारिशों का सीज़न होता है तब तो इनको घास मिल जाती है लेकिन जब सूखे का मौसम आता है वो घास डेड हो जाती है तो ये रेत को खोते हैं और उसके अंदर जो उसकी डेड जो रूट्स हैं उसको खाकर जिंदा रहता है प्लस इको सिस्टम के अंदर ये रेगिस्तान के अंदर एक ऐसा जबरदस्त काम करता है ये समझ ले किसान एक तरह का अच्छा ये क्या करते हैं इनको कोई अगर पौधा मिलता है तो ये उसको खा लेते हैं खा लेते हैं उसके पत्ते वगैरह सारी चीजें तो हजम कर जाते हैं लेकिन उसके बीज हजम नहीं करते उसके बीज जो है इनके स्टूल के थ्रू रेगिस्तान के डिफरेंट डिफरेंट जगहों तक पहुंच जाते हैं और वहां पर फिर नए नए पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं जो हम रेगिस्तानों में देखते हैं जगह जगह कोई पौधे या कोई ऐसी चीज वो इस तरीके के जानवर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ऐसा ही है आपने कभी सोचा कि ये पौधा अगर यहाँ पर है तो ये कौन रेगिस्तान में इसके बीज लगा रहा आ, लगा है। बीज रहे वहां तक कैसे गए हाँ? इतने पहाड़ों पे जो इस तरह के जो जानवर है वो बड़ा जबरदस्त काम करते हैं यार अल्लाह क्या कुदरत है इसके जो कान है ना ये दूर से कई किलोमीटर दूर से आहट महसूस कर लेता है वाइब्रेशन महसूस कर लेता है और ये फिर अपने बिल में छु जाता है इसकी आंखें आ कितनी बड़ी है अच्छा ये रात में निकलता है रात में निकलना चूह है और अभी देखिए इसने जंपिंग करना थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दी है तो ये इस तरीके से जो है चलते हैं और उसको थोड़ी सी घास वगैरह दीजिएगा मैं शायद उसको खिला के देख ये देखिए ये देखें ये देखें हाँ। इसने और इसकी टेल भी बड़ी जबरदस्त सी ये लंबी सी जानवर मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा अच्छा 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 और ये इस तरह की जो घास होती है ना नॉर्मली जो हमारे गार्डन वगैरह में होती है ये देखें जी खाना शुरू कर देगा उसको ये ये देखें और ये क्या करता है उसकी जो छोटी छोटी जड़ें होती है ना ये उसको भी खा जाता है तो बहुत ही मासूम सा जानवर है और इसको अगर कहीं लोग देखें ना तो शायद इसको समझ नहीं है और इसकी बल्कि हमको हिफाजत करनी चाहिए कितने तक का ये अगर इसकी कॉस्टिंग इसकी कॉस्टिंग इंटरनेशनल मार्केट में ये कम अज कम भी जो है ना ये होगा डेढ़ दो लाख रुपए का एक हाँ इंटरनेशनल मार्केट में अगर डॉलर्स में कन्वर्ट करें इसको तो इसकी कुछ स्पीशीज है जो थोड़ी सस्ती हैं कुछ जो है थोड़ी आ, महंगी है और इसकी एक स्पीशी ऐसी है जो दुनिया के सबसे छोटे रोडेंट्स में से एक है पिगमी पिगमी कहते हैं उसे पिगमी कैंगरू रेट तो सबसे छोटे होते हैं वो इससे भी ज्यादा छोटे हैं अब सोचें कि इसके बच्चे कितने छोटे होंगे और ये तो ये हाँ, बच्चे ये मेल है फीमेल है ये सर ये मेल है इसके जो है ना बच्चे भी बहुत छोटे छोटे से होते हैं इतने इतने कह सकते हैं आप जो चावल का दाना होता है ना उससे थोड़े से आप डबल ऑफ साइज कर लें मतलब इंच का बच्चा मैं कैसे लोबिया का जो सीड होता है छोटा लोबिया या चने का दाना आप समझ ले उससे लगभग उतना ही उतने छोटे छोटे बेबीज होते हैं जिनको ये रेगिस्तान के अंदर जो है ना बिलो के अंदर जो है वो बच्चे देते हैं और इनका शिकार फिर फोक्सेज वगैरह करते हैं फूड चेन बनी हुई है अल्लाह तरफ से अच्छा फॉक्स इनका शिकार कर फॉक्स इनको खाते हैं रेगिस्तानों में दूसरे जानवर उल्लू वगैरह इसका शिकार करते हैं फूड चेन है ना उनका भी खाना चलता रहता है इसका भी खाना चलता रहता है तरीके के जो होते ना ये वगैरह होते हैं ये, ये, देखें, ये, देखें, ये, देखें।, आ, ये देखें दोनों से अब आपको नजर आएगा खाता हुआ ये देखें कितनी मासूमियत से खा रहा है और ऐसे हाथ से खा रहा है जैसे बच्चा नहीं चॉकलेट खाता है बिल्कुल ऐसे खा रहा है तो बहुत ही नाजुक सी चीज है जंपिंग करना शुरू कर दी ये देखे ये देखे <laughs> क्या बात है भाई वेरी इंप्रेसिव इंप्रेसिव जबरदस्त जबरदस्त इंप्रेसिव इंप्रेसिव बहुत ही जबरदस्त तो माशाल्लाह जी इनको हाँ। इनकी जगह पे पहुंचा दिया जाए और तीसरा क्या है जल्दी जल्दी मुझे आज जल्दी जल्दी दिखाए भाई तीसरा क्या है, है ना, हाँ। वो भी बड़ी जबरदस्त है और पैसे कमाने का जिसको शौक है फार्मिंग का लोग कैटल फार्मिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन एक नया ट्रेंड दुनिया भर के अंदर चल पड़ा है पाकिस्तान के अंदर अभी उसे आने में थोड़ा वक्त है लेकिन इनशाला वो आ गया है और वो है कीड़ों की फार्मिंग ओके कीड़ों की फार्मिंग ये है मील वाम्स ये आपको नज़र आ रहे हैं कीड़े अब आप सोचेंगे यार ये कीड़े सर ये कीड़ा इस वक्त आप खोलें अमेजोन अमेजॉन पे लिखें मील वाम्स दो हजार रुपये किलो से ये स्टार्ट हो रहा है दो हजार रुपये किलो से ये स्टार्ट हो रहा है तो किलो में तो तकरीबन दो करोड़ की, की हाँ तो सर ये एक वक्त में पाँच सौ अंडे भी देता है ना और ये इतनी बड़ी तादाद में ब्रीड करते हैं और ये खाते हैं सिर्फ सब्जी और जो आपके घर में जो वेस्टेज सब्जी का बचे उस पर आप इनको पाल सकते हैं यानी एक दस रुपये की सब्जी से आप हजार रुपए के कीड़े बना सकते हैं ठीक है ये देखें अब इसका लाइफ साइकिल मैं आपको बताता हूँ ये जो ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है इसे कहते हैं बीटल ये अंडे देता है अंडे बड़े होकर ये कीड़े बनते हैं कीड़ों से कन्वर्ट होते हैं प्यूपा में ये घूम रहे हैं ठीक है और फिर ये दोबारा बीटल बन के अंडे देते हैं ये पूरा एक साइकिल है आप समझ लें कि एक किलो अगर सब्जी लें तो उसके अंदर आप हज़ार कीड़े पाल सकते हैं बहुत आराम से ये ग्रो करते हैं और कुछ चार पाँच छः हफ्ते सात हफ्तों का ये साइकिल होता है जो कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद आप इन्हें सेल आउट कर सकते हैं अगर ये ज़िंदा सेल आउट ना हो तो आप इसे ड्राई करके भी सेल आउट कर सकते हैं अब ये सेल आउट क्यों होते हैं ये भी एक सवाल है एमेजॉन के ऊपर बिक रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग दुनिया में स्टार्ट हो चुकी है यानी जो पोल्ट्री फार्मिंग है उसके अंदर ये मुर्गियों को खिलाया जाता है मछलियों को खिलाया जाता है हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है ये यानी इसके अंदर इतनी गिजात है जो मुर्गी की जो फीड दे रहे ना उससे डबल आप कर लें, इतनी है इस कीड़े के नहीं। नहीं। तो ये जब मुर्गियां खाती है क्योंकि अब बाहर जो है ना वो दूसरे ममाल ने रिसर्च कर ली और उनको अंदाजा हो गया कि ऑर्गेनिकार्मिंग जो ना ज्यादा फायदेमंद है उसकी जो मुर्गी का जो मीट होता है वो भी ताकतवर होता है अंडा भी ताकतवर होता है तो अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ सब कन्वर्ट हो रहे तो मील होम जो है ना उनका सोर्स ऑफ फूड यूज किया जा रहा है और ये बहुत जबरदस्त बिजनेस है उसको अगर घर में करना स्टार्ट कर देना इसके लिए देखिए ना तो बिजली चाहिए ना इसके लिए कोई मशीनरी चाहिए आपने जिस एक जस्ट एक प्लास्टिक के कंटेनर में आप स्टार्ट कर सकते हैं दो कीड़ों से भी आप स्टार्ट करेंगे ना वो हज़ारों में हो जाएंगे और बा अगर सिर्फ अपने कीड़े रिश्तेदारों से निकालें हम जो रिश्तेदार आके हमारे काम में कीड़े निकालते हैं वो तो सर अगर वो, वो कीड़े ही जमा कर लें और मैं कह रहा हूँ एक करोड़ कीड़ा तो है हर एक बंदे से निकलेगा मैं ऐसे पर्सनली बंदे जानता हूँ ये, ये बात आपके वाले कीड़े तो लेवल, लेवल होते हैं जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है बाहर से आइये इम्पोर्टेड है बहुत खूबसूरत लिजर्ड जिसका फुल साइज चार फिट तक हो सकता है वजन बीस किलो तक हो सकता है उसका तीन महीने का एक बेबी हमारे पास मौजूद है और इस लिजर्ड का नाम है ग्रीन

खतरनाक सी ये लग रही है लेकिन बेचारी इतनी सिर्फ लुक्स की वजह से ऐसी खतरनाक लग रही है लेकिन है नहीं जबान से टेस्ट कर रही है अगर सिर्फ टेस्ट आएगा तो फिर ये बाइट करेगी कि खाने की चीज़ है या नहीं है बहुत खूबसूरत है इसकी जो डाइट है वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स खाते ही हैं और दरख्तों और पौधों के आसपास रहना पसंद करते हैं इसकी कुछ स्पीशीज इस है जो स्विमिंग भी कर सकती है समंदर में

स्किन जो नीचे लटक रही है और नुकसान तो नहीं पहुंचाती नहीं सर बहुत ही खूबसूरत से लिजर्ड है और उसको एज अ पैट रखा जाता है दुनिया भर में कितने के की मालियत रखती ये दो ढाई लाख रुपए तक की होती है इसमें कुछ स्पीशीज भी एक लाख यानी आप स्टार्ट करें कि ये सेवेंटी फाइव थाउजेंड से लेकर सात लाख रुपये तक के दरमियान हो सकती है इसकी कीमत डिपेंड साइज ब्रीड कलर और अभी कीड़े होते तो ये खा जाती ये मील वोम्स खाती है ये फ्लावर्स खाती है ये वेजिटेबल्स खाती है और ये जब हमारे पास आई थी ना नादिर भाई तीन महीने पहले तो इसका साइज इसकी दुम के जितना था अब इसकी दुम ही खाली इतनी हो गई जितनी खुद पहले तीन महीने तो इतनी स्पीड में ये ग्रो करते हैं और इसका जो लंबाई है ना वो तकरीबन चार फिट तक की भी चली जाएगी और ये पीछे से ना तोते की भी फर्स्ट कलर लग रही है हाँ अच्छा इसके रेड कलर भी होते हैं ब्लू कलर भी होते हैं इसके येलो कलर भी होते हैं अब ये घबरा कर भागेगी हाँ इसके ऊपर चल नहीं पा रही क्योंकि आमतौर पर पे पेड़ों पे पौधों पे और ऐसी जगहों पे रहती है ना तो और दुनिया भर के अंदर इनकी बड़ी डिमांड है ऐसा पेट रखे जाने वाली बड़ी फेमस लेजर्ड है ये इसके आप ये टाँगें उंगलियाँ देख रहे हैं सारी दरख्तों की टहनियों पर चलने के लिए और इस तरह से होती है तो बड़े खूबसूरत हैं अंडे देते हैं ये तीन साल में ये अडल्ट हो जाते हैं सही और एग्जॉटिक एनिमल्स में ये आते हैं और मेरा मेरा ये मानना है कि अगर पाकिस्तान इन चीज़ों के ऊपर अगर काम करें हम इसकी ब्रीड कराएं एक्सपोर्ट करें उसमें बड़ा बिजनेस है ये बहुत ऊपर की चीज़ आप बात कर रहे हैं ये तो 10-15 साल लग जाएंगे यहाँ तक पहुँचने में जो आप बात कर रहे हैं होना चाहिए होना चाहिए मैं बोल रहा हूँ आप बहुत आगे की सोच रहे हैं जो लोग बहुत बाद में सोचेंगे ना वो अभी आप सोच रहे हैं आप तो हैं ही ब्रेडी बार ये चीज़ें पाकिस्तान में होनी चाहिए ना जैसे देखिए कीड़ों की फार्मिंग हो गई दुनिया भर अच्छा। में इंडिया कामिटी है ये तो आपकी, हर... मैं कर खोलता हूं। आपकी एक तस्वीर लगी होती है और जो है ना उसके ऊपर लिखा होता है अभी वो एक पुलिस वाले का वाक्य हो गया उस बेचारे की पिक्चर एडिट करके यहाँ इस सीट पे लगाई जहाँ बैठा प्यार बहुत उसके ऊपर लिखा हुआ है आईजी साहब के बारे में कुछ मुझसे प्यार बहुत करते हैं लोग तो ये है तो Lizard के बारे में कुछ बताएं <laughs> के बारे में ये बता सकते हैं ये वो जानवर है कि जब भी हमारे घर के अंदर एंटर होता है तो हमारे घर का माहौल हमारे घर के अंदर मौजूद खातन कुछ ऐसा कर देती है कि जैसे घर के अंदर कोई गोड आ गया यस yes. तो ऐसा होता है लेजर्ट से बहुत ज्यादा डरते हैं और ऐसा नॉर्मली होता है घरों के अंदर लेजर्ट आ जाती है सब डर जाते हैं लेकिन लेजर्ट की बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं

ये तो वाकई बॉल की तरह हुआ भार? हाँ तो इसी वजह से इसको कहते हैं बॉल है देख कर कोई कहेगा कि सांप सांप है लेकिन है की सबसे छोटी जो किस्म है उसे कहते हैं बॉल पाइथन ये गेंद नुमा बन, बन के बैठा रहता है और ये खुलेगा नहीं सर इसने बीच में कर लिया है खुलेगा नहीं और ये इससे इसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होता है कि मैं बड़ा सेफ हूँ मैंने अपना सर सेफ कर लिया है क्योंकि सांपों में अगर आपने सर को हिट किया सांप खत्म यस तो ये एक चीज होती है तो ये अपना सर को तो ये खुलता नहीं है खुलता है ये चलता भी है घूमता फिरता भी है तो ये रेस्ट कर रहा है और ये बहुत छोटे से होते हैं और इनके सौ से ज्यादा डिफरेंट तरह के जो कलर्स एंड ना दुनिया भर के मौजूद है उनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई जा रही और ज्यादातर ये अमेरिका में हो रही है और वैसे इसका जो ऑरिजिन है वो अफ्रीका से ये कितना है बहुत ज्यादा खूबसूरत और ये जो है ना बड़े रेयर है आजकल पाकिस्तान में यही ये ये तो उसका है इस वजह से बॉल पाइथन ये देखें पूरा इस राउंड हो गया इसकी मालियत क्या है ये सर इसकी स्पीशीजो है पाँच लाख छह लाख चार लाख तीन लाख दो लाख लाखों रुपये का मतलब इसके मुझे अभी कोई दो लाख भी दे मैं नहीं दूंगा इतना ये वो होता है क्योंकि ये जो है ना इम्पोर्ट हो गया पाकिस्तान में अब इनकी ब्रीडिंग का काम यहाँ पे चल रहा है को इम्पोर्ट कराना भी एक बड़ा चैलेंजेबल है इनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है पाकिस्तान की वाइल्ड से नहीं है पाकिस्तान में नहीं पाए जाते इंडिया में स्टार्ट हो चुका है एनिमल्स की ब्रीडिंग का काम हम अभी बहुत पीछे हैं हमें बहुत काम करना अभी बाकी है क्योंकि अगर हम हमारे पास जो वेदर है ना वो बहुत ज़बरदस्त वेदर है पाकिस्तान के अंदर आपके पास चारों मौसम है हर तरह का इन्वामेंट है तो यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को आप रख सकते हैं सही कुछ ऐसे जानवर है जो ठंड में रह सकते हैं तो हमारे हमारा नॉर्दर्न एरिया थे कुछ ऐसे गर्मी में रह सकते हैं तो साउथ में हमारे पास है तो ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे होनी चाहिए लेकिन अभी फिलहाल हो नहीं रही है लोग तो उल्टा इनसे गिन खाते हैं कि यार ये कोई रखने वाली चीजें हैं इस तरह की चीजें तो फार्मिंग कौन करेगा तो अभी हम बहुत पीछे हैं आप वाली बात बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है ये हो गया सेकेंड नेक्स्ट हमारे पास ये होता है है बाय द वे पाया जाता साउथ अफ्रीका में इसका ओरिजिन है और वैसे ये अमेरिका में सबसे ज्यादा इस वक्त इनकी ब्रीडिंग के ऊपर काम चल रहा है और अगला जो स्नैक है वो है बोआ कंस्ट्रक्टर स्नैक रेड टेल बोआ भी इसको कहते हैं और ये सारे स्नेक इम्पोर्टेड है और महंगे तरीन सांप है ये इसकी भी कीमत लाखों रुपए में और इसकी क्या है भाई ये भी करीब करीब तीन लाख के करीब का स्नक है और वाँ, रेड टेल बोआ इसलिए कहते हैं कि इसकी दुम का जो आखिरी हिस्सा है ना वो ऐसा लाल शेप का होता है रेडिश टाइप का होता है और सांप नॉर्मली अंडे देते हैं ये बिल्कुल अंडे ज़्यादातर ये एक ऐसी नस्ल है डायरेक्ट बच्चे देते हैं हाँ ये डायरेक्ट बच्चे देते हैं दर्जनों में और इसका साइज़ जो है ना आठ फुट तक हो सकता है अभी ये बच्चा है अच्छा ये मेल हाँ, ये मेल है और इसकी इसके अंदर इतनी ताकत होती है कि ये अपने से भारी जानवर को मार सकता है और अपने मुँह के साइज़ से तीन गुना ज़्यादा बड़ा कोई भी शिकार खा सकता है निगल सकता है

हर तरह हर तरह का अंधेरे में भी पकड़ लेते हैं एक बात है सांप के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं पकड़ सकते हैं आपको पता सकते। चल जाएगा आपने किसका सांप पकड़ा पता चल जाएगा जो मालिक है जो भी है जिसका भी है सर और किस नोयत का सांप है कितना बड़ा है नादे भाई ये तो जो है ना नहीं नहीं इतनी इतने अंधेरे में भी नहीं जाना

फिर कोशिश करेंगे कि उस सांप को कैसे निकालने है। ये है तो ये जो है ना बोआ कंस्ट्रक्टर स्नेक है और इम्पोर्टेड है पाकिस्तान में नहीं पाए जाते इनके इनकी पास जानवरों के वैसे पासपोर्ट होते हैं घोड़े हाँ। के होते हैं डॉग्स के होते हैं कैट्स के होते हैं इनके भी पासपोर्ट होते हैं और इनका शजरा नामा भी होता है डॉग्स वगैरह बहुत सारे जब इम्पोर्टेड ब्रीड्स आप खरीदेंगे ना वो आपको पूरा शजरा देंगे कि इसका अब्बा कौन था उसका नाम लिखा होगा उसका नंबर उसका अब्बा ने अगर कोई अवार्ड विन किया तो वो भी लिखा होगा उसकी अम्मा कौन थी कहाँ से ताल्लुक रखती थी अच्छा भाई अब्बा जर्मनी का था तो, तो अम्मा है। पूरी एक शजरा नामा जी, 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 जी। पैडिगरी पैटिगरी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल तो ये होता है इनका तो नहीं है खैर लेकिन बहुत सारे एनिमल्स का ना होता है और बनवाना चाहे तो बन सकता है वैक्सीन के भी बनते हैं पेट पासपोर्ट तो इसको हम रखते हैं और अब बारी है पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत तरीन सांप की जो आज के डेट में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्नेक आपको भी पसंद आएगा दिल देख कर कहेगा माशाल्लाह क्या बात है भाई वाह 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 माशाल्लाह बेशक ये बहुत खूबसूरत यार ये देखें ये है अल्बाइनो बर्मीज पाइथन और, और इसने मेरा ख्याल में कुछ खाया पांच चूहे खाए हैं पांच चूहे खाए हैं पांच चूहे खाए हैं और इसका पेट बता रहा है हां ये देखें ना ये पूरा ये मेरे को अंदर चूहे महसूस हो रहे हां अगर इसको ज्यादा दबाएंगे उल्टी करके वापस भी बाहर निकाल हुआ इसने चबाया नहीं है अच्छा, च्छा, 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 वो और भी रहे कुछ खा जाता है तो उसकी आंखें आप देखें बिल्कुल रेड है अच्छा इसके बारे में खास चीज बताऊं अमेरिका में एक जगह है फ्लोरिडा वहां पे इससे इतनी ज्यादा परेशानी हो गई है कि जंगल में सांप को बर्मीस पाइथन को पकड़ा जा रहा है और उसको डिफरेंट जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है और इवन इसकी ट्रेड पर भी अमेरिका के स्टेट्स पर पाबंदी लग गई है उसकी वजह यह कि ये एक ऐसा सांप है जो सोलह फिट तक लंबा हो जाता है और अभी इस साइज के अंदर अगर इसने पाँच हुए खाए तो सोलह फिट का पाइथन क्या, क्या क्या खा सकता है इंसान भी खा तो खा सकता है, खा सकता है। मौका मिलेगा ये मार देंगे ना... ये इतने खतरनाक जानवर हैं अच्छा। और वहां पे प्रॉब्लम ये आ गई है कि जंगल के अंदर ही इतने ज़्यादा हो गए कि जंगल के बाकी जानवरों को मार रहे हैं तो वहां पे बाकी जानवरों की तादाद कम हो रही है अब उनको टेंशन हो गई है कि यार और ये जो पास है पास से स्मेल भी हल्की सी आ रही है हल्की सी स्मेल इसलिए आ रही है कि जो यूरिन वगैरह ये करते हैं तो उसकी वजह से होता है और ये जो उसकी डाइट है वो चूहे वगैरह तो इस हिसाब से जो है ना हल्की सी स्मेल आती है वैसे अगर इसको अभी क्लीन रखा जाए पूरी तरीके से क्लीन कर दें तो फिर वो स्मेल गायब हो जाएगी लेकिन उनकी यूरिन में और उनकी इस वजह से जो है वो हल्की सी स्मेल आती है ये ये सर ये अभी तो अमेरिका से आ रहे हैं इम्पोर्ट हो रहे हैं और अल्बाइनो कैटेगरी वो होती है जिसकी रेड कलर की आईज हो ये देखिए इसकी लाल कलर बिल्कुल है। बिल्कुल है। देखे भी भी सब सबसे महंगा है मसलन, मसलन ये करीब करीब लाख 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 रुपए का इनका जो डॉलर्स में प्राइस इतनी महंगी फिर इंपोर्ट कराएंगे किसी जमाने में ये इंपोर्ट हो गए थे अब ये यहाँ पर है वरना आप तो इम्पोर्ट कराने जाए तो और महंगे ही तो ये इस तरह के ये होते हैं और ये बहुत इनकी है। की पास नीचे होती है ठीक ये। ये है और एक और, और चीज मैं आपको बताता हूँ एक और चीज बताता हूँ समझ नहीं आती से आपको एक और चीज बताता हूँ इसकी बड़ी अजीब जो मेल पाइथॉन्स होते हैं ना उनके इसी जगह के पास छोटे से कांटे टाइप के होते हैं थोड़ा कांटे 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 अच्छा स्पाइंस हॉर्न सिंग की तरह इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती है ये देखें आपको दिखा हुँ। सकता हूँ ये शायद कैमरे में नज़र आ जाए ये हल्का सा ये नज़र आएगा ब्लैक ये डॉट नज़र आ रहा है सर ये जो है जब ये मेटिंग करता है फ़ीमेल के साथ तब ये इसको यूज़ करता है फीमेल को लुभाने के लिए तो ये कांटे कुछ ऐसे मूव करते हैं लाइक like दिस तो फीमेल जो है वो जल्दी से रेडी हो जाती है और फिर ये मेट करता है तो ये जो है ना इनका एक बड़ा यूनिक तरीका यूनिकीबोरी रेडी हो जाओ बस फिर पॉडकास्ट के बाद खाना वाना खाते हैं मतलब खाना खाने के लिए रेडी कर रहा हूँ इन लोगों को अच्छा और जो है ना ये इनकी जो मीटिंग है ना वो काफ़ी दिनों तक चलती है मेल फीमेल की जो मीटिंग है अच्छा। काफ़ी दिनों तक चलती है जाहिर बहुत ही जरूरी बात तो यह हो रही होती है डिस्कशन बहुत जरूरी है ऐसा ही है तो इनकी मीटिंग जो है ना ये बहुत दिनों तक चलती है अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं है? ये अंडे देते हैं और बाइस से लेकर सौ तक अंडे देते हैं एक वक्त में हाँ और उसके ऊपर खुद ही बैठती है और फिर उन अंडों को सेकती है और फिर बच्चे निकलते हैं तो ये है बहुत अच्छी कैरिंग मदर होती है बच्चे जब निकल जाते हैं नेक्स्ट टाइम भी लेके आए यार सर अंडे अभी तक इसने दिए ही नहीं अभी ये होगी अडल्टी मैंने ये कह दिया कि एक पॉडकास्ट और होगी ये मैंने एक गैस दे दी है लोग इनशाला कभी ऐसा भी वक्त आएगा तो ये बड़े रेयर स्नेक है।, बहुत है।, बहुत है।, है अल्बाइनो बर्मीज पाइथॉन और ये होते अमेरिका में ये देखिए जंगलात में ये वाला कलर नहीं है नहीं ये क्रॉस करा के स्नेक ये कलर पैदा कराए गए ये कैप्टिविटी में बॉर्न हुआ है इन uh, वाइल्ड ये कलर बहुत रेयर होता है तो कैप्टिविटी के अंदर यानी कैद के अंदर पैदा हुआ हुआ ये स्नेक है और ये अब देखे ना ये, 90's, 80's के अंदर ये काम अमेरिका में हो रहे थे और हमें अब तक इसका नाम भी नहीं पता होगा बेशक, बेशक बेशक तो हम जो है ना काफी चीजों में भी पीछे और इसके अंदर तो काम तो उस वक्त से अब तक आस्तीनों के साथ ढूंढते है वो तो बहुत है समझ समझे हर किसी में घुसा हुआ है ऐसा ऐसा ही ही आजकल तो बहुत हो गया मेरे पास तो बहुत ही हो गए

बड़े बड़े क्यूट बच्चे हैं भाई अच्छा से से है? हाँ इनकी ये शेल अभी वीक होता है, अच्छा। तो है, है। सर आप बच्चे देखें ये देखें। फौज है बॉर्डर फिल्म आपको लग रही होगी मोजि स्वातिन हजरात ये सनी है ये और ये सारे आ रहे है पीछे ना पाकिस्तान को तबाह करने के लिए ये देखें आ रहे हैं बॉर्डर फिल्म ये देखें जी कितने अच्छा लोग मुझे कह रहे थे कि आते हैं हमें तड़पाते हैं जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे छोड़ो दफा करो ना हो। कितने निकालो नादीन में बताएं बहुत सारे आप भजन पूरा टेबल भर जाएगा आपका आप इतने बच्चे दिए उसने आप कितने बच्चे दे दिए उसने सर के करीब तो मैंने आपको पहले ही बताया था उसके थे ये तो बच्चे तक याद नहीं होते, तो याद नहीं होते है ही तो वाला सीन बहुत है अभी भी पूरा बॉक्स भरा हुआ है मैं निकाल इसलिए रहा हूँ इनको मैनेज करना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा तो लास्ट पॉडकास्ट में जो ना लोग कह रहे थे अब ये है अफ्रीकन सुल्काडा टोटर जॉनी सिंह जो था ये उसी के बेबीज हैं और ये बड़े कितने होंगे ये बड़े सर इतने बड़े हो सकते हैं अरे नहीं करें यार हाँ अभी ये सिर्फ छोटे हैं तीन महीने के ये एक इनकी एज दो सौ साल की भी हो सकती है अच्छा दो सौ साल तक आराम से हो सकते हैं और ये पैदा हुए हैं ये अगला दो सौ साल टेक्नोलॉजी का देखेंगे ऐसा ही है ये दो हजार तेईस तीन हजार तेईस मन दो हजार तेईस और दो हजार तीन सौ तेईस दो हजार चार सौ तेईस दो हजार चार देख सकते हैं देख सकते हैं और खाने में वेजिटेबल फ्रूट्स बहुत शौक से खाते हैं और इनका शेल इनको सिक्योरिटी के लिए काम आता है जब भी कोई जानवर ये देखिए घास 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 के मुंह के अंदर घास इसके मुंह पे ये दे नहीं रहा ये मैं खींच रहा हूं बड़े मासूम से जानवर है और ये पता है बहुत अच्छे तरीके से आप इसको रख सकते हैं घर के अंदर पेट क्योंकि ना ये शोर करते हैं ना ये काटते हैं

नहीं नहीं हम तो नाम रखेंगे भाई अच्छा इनकी मैं एक और एक चीज़ बताता हूँ बड़ी ज़बरदस्त थी ये कछुए की कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं अंडे के अंदर से बच्चा निकलने से पहले आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि वो मेल होगा या फीमेल टेम्परेचर के थ्रू अगर इनका टेम्परेचर हाई कर दें तो ज़्यादातर बच्चे 90 परसेंट एक जेंडर के निकलते हैं और अगर टेम्परेचर लो कर दें तो ज़्यादातर बच्चे एक जेंडर के निकलते हैं यानी इसमें से मैक्सिमम 80 टू 90 परसेंट ये सेम जेंडर के होंगे क्योंकि hmm. ये एक ही टेम्परेचर पे और इनकी बैठ इनके मोबाइल में अगर ऐप डाल दें टिकटॉक की वो क्यों वो फिर ये जेंडर एक और जेंडर तब्दील हो जाएगा ना <laughs> नहीं मैं नशी में पहुंचूंगी घी में डॉट कॉम ऐसा ही, ऐसा ही है टिकटॉक टिकटॉकर से मुझे भी याद आया आज के पॉडकास्ट में जो सबसे लास्ट चीज़ है ना बड़ी मजे की है, है? बहुत लेवल मुझे बताया था आपने आप कोई फैमिली का कोई बंदा लाया

क्या दिखा रहे हैं ये स्टैंड स्टैंड रख लिया आपने बराबर में अभी भारी है नन तो नहीं आ रही है यहाँ पे नहीं नहीं, नहीं, नहीं नहीं नन नहीं आ रही नन वाला स्टैंड मिठू मिया ओहो मिठू तो ते बोला है मिठू बोला इसने मिठू मिठू अब नहीं बोलेगा इसे पता है कैमरा लगा हुआ है अच्छा इसकी क्या खास बात है भाई इस पॉडकास्ट में आए हैं ये बड़ा सीटी मारी अब इसने तो ये बड़ी कॉमन है पाकिस्तान के अंदर हमारे इन वर्ल्ड पाकिस्तान में पाए जाते हैं एलेक्जेंड्रीन पैरट इसे कहते हैं लोकल लेवल में पहाड़ी तोता कहते हैं पहाड़ी तोता कहते हैं बहुत कॉमन है ये बहुत अच्छा टॉकिंग बर्ड भी बन जाता है एज अ पैड बहुत अच्छी तरीके से रह सकता है एक होता है नॉर्मल हरा तोता ये उससे मुख्तफ है इसके बाजू में देखें लाल कलर का आपको निशान नजर आ रहा होगा तो ये इसको थोड़ा सा डिफरेंट करता है उस पर दूसरा इसका साइज थोड़ा अच्छा होता है गले में आप इसके पट्टा देखें कॉलर ये एक रिंग बना हुआ है अमूमन लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि जिन तोतों के गलों में रिंग होता है ना बहुत अच्छे बोलने वाले तोते होते हैं ऐसा नहीं है इस रिंग का ताल्लुक इनके जेंडरस है जो नर तोते होते हैं जो मेल होते हैं ना ये रिंग उनके गलों में होता है फीमेल के गलों में नहीं होता तो इससे इनकी आइडेंटिटी जो है ना वो चेक हो सकती है कि कौन से फीमेल है कौन से मेल तो ये है ये दूसरा कौन सा फ्रूट्स वेजिटेबल है बहुत शौक से खाते हैं पाकिस्तान में इसका बिज़नेस इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ये साठ सत्तर हज़ार रुपये के मिल जाते हैं आप इन्हें लेके रखेंगे एक डेढ़ साल में ब्रीड करना शुरू करते हैं एक बारी में तीन तीन बच्चे भी दे देते हैं और एक एक इनका छोटा बच्चा यानी उसके भी पर भी नहीं आया होता बहुत छोटा सा बच्चा वही बिक रहा होता है आठ दस हजार रुपए का तो, तो ये एक साल में जोड़े के पैसे ही बाहर आया तो बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस तो पाकिस्तान में अभी चल पड़ा है और इसके कुछ ऐसे भी कलर्स आ गए हैं जो पच्चीस पच्चीस लाख का एक तो होता है नहीं यही येलो कलर के अंदर पच्चीस पच्चीस लाख रुपये तो होता है येलो में तो नहीं देखा हाँ तो येलो बड़ा रेयर कलर है इसका तो ये बड़े ज़बरदस्त से जो है ना अच्छा लोगों ने इस फ्रॉड तो फिर फ्रॉड तो है ना इसी को येलो करने की भी कोशिश की होगी और लोगों ने ये मुझे एक बंदे ने शेयर किया था कि जो रिंगनेक पैरेट आता है ना उसके ऊपर ब्लीच लगाया था ब्लीच से क्या होता है कलर उड़ जाता है तो वो येलो तो नहीं हो पाया था लेकिन येलो के करीब करीब का कोई एक ऑलिव टाइप का उसका कलर हो गया था फिर वो मार्केट में घूम रहा था कि ये जो है वो कोई महंगी नस्ल का और ये वो लेकिन वो पकड़े जाते हैं फिर और ये इनसे जानवरों को अजियत है फ्रॉड तो खैर नंबर वन डिग्री ली हुई है पाकिस्तानियों ने ऐसी ऐसी चीजें हैं सर बहुत वो असल में चोर पकड़ने की मशीन बनाई थी जापान ने वो तो पाकिस्तान आई थी तो वो मशीन चोरी हो गई थी तो ले आए दूसरा पैरेट है लॉरी किट अच्छा लॉरी अच्छा <laughs> ये बड़ा बहुत ही कलरफुल इसका ये चील से भी रिजेम्बलेंस दे रहा है और छोटी फाख्ता से भी लॉरी ये छोटे होते हैं छोटे हाँ। साइज के और इनकी एक बड़ी खास बात बताता हूँ वो काम कर सकते हैं जो शहद की मक्खी करती है फूलों के अंदर से नेक्टर्स एंड नेक्टर ग्रेन निकाल सकते हैं फूलों का रस निकाल सकते हैं अल्लाह ताला ने इनकी जो चोच है और इनकी जबान ऐसी दी है इनकी जबान का एक तो साइज लंबा है वो जो है ना बाकी तोते एक्साइटेड हो रहे हैं हम कब आ रहे हैं

काटते सारे ही हैं मूड में होते तो काट लेते हैं देव नहीं देव तो, देव 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 तो अगर, भी अगर भी भाई क्यों कभी सांप पकड़वा रहे हैं अंधेरे में कभी तोते से कटवा रहे हैं क्या हो गया आपको चले, ये हो गया तीसरा कौन सा आपने बहुत सारे सारी आप हाँ लड़ भी सकते हैं ये बड़े पुजैसिव होते हैं अपनी जगह को लेकर ठीक है बैठा आज अब जो बारी है ना दुनिया का नंबर वन बोलने वाले तोते की जो नस्ल होती है ना वो कहलाती है अफ्रीकन ग्रे पैरट ये, है वो। तो ब्रीड है ये। और दुनिया में जितने भी तो माने जाते हैं अच्छे बोलने वाले उनमें हाँ वायरल भी हुई थी एक वीडियो माइक में ये कोई वो आइडल में बोल रहा था ये वाला इनके ऊपर इनके रिकॉर्ड्स भी बने हुए ये तीन सौ से ज्यादा अल्फाजों को याद कर सकते हैं और उन अल्फाजों को तो पूरे पूरे अफ्रीका का अफ्रीका जो है ना वहाँ से इसका ले ले क्यूट है।, है। क्या नाम है इसका अफ्रीकन ग्रे पैर ग्रे कॉन्गो यार इसकी और... मालियत क्या है इसे? इसकी मालियत जो जो है है ये तोता जो है स्टार्टिंग मार्केट में मिल रहा है अस्सी हज़ार रुपये से लेकर दो लाख रुपये तक का ठीक है और वो ये मिल रहा है साठ से सत्तर हजार रुपये में ये वाला मिल रहा है तीस से पैंतीस हजार रुपये में सही है ठीक है क्योंकि ये हमारा लोकल है ये सारे इम्पोर्टेड है और ये महंगा इसीलिए है कि ये बहुत सारी सलाहित का मालिक है जिसमें से एक तो आवाज अच्छा ये एक आ, नादिर भाई जिन लोगों ने ग्रे पैरेट पाले हुए हैं ना उनको एक कंप्लेन सबसे ज्यादा होती है क्या अगर ये आप भी अगर पाले ना तो सबसे पहले आपकी डोरबेल सीख जाएगा इसके बाद ये बिल्कुल एक्यूरेट डोरबेल डोरबेल बजाएगा और ऐसे <laughs> बजाएगा कि आप बार बार दरवाजे पे जाएंगे कि यार कोई आया तो नहीं कोई या तो मोबाइल की रिंग हमारे इस तोते ने बाकी सारे तोतों की आवाज़ सीखी हुई ये है मोडी पैरट वरना ये इतना ज्यादा बोलता है इतना ज्यादा बोलता है अच्छा वीडियोज मौजूद है यूट्यूब के अंदर ये अजाने भी दे देते हैं क्योंकि पूरा दिन जो सुनते रहते हैं

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लिए सेंसर सिस्टम बना लिए सब चीज़ें पहले ही तरफ से अब गूगल खुश हो रहा है भाई कि हमने गूगल मैप बनाया यार आप ये सोचें अल्लाह ताला की तरफ से दिया। बिल्कुल बिल्कुल <laughs> ऐसे ही जी अल्लाह ताला की तरफ से ना इनके अंदर चीजें बिल्ट इन होती है वो कबूतर का आपको पता होगा पुराने जमाने में मैसेंजर के तौर पर अच्छा आगा तो भी देखे मेरी बात सुनिएगा अब फिर भाई। लोकल नहीं हका है मेरी बात सुन अभी इम्पोर्टेड होने दी ये मसला हमारे है लोकलों में है अब उसने कम से कम थोड़ा सा मैनर्स होना चाहिए कहीं हक हाँ दिया सर ये जहाँ खाते हैं ना वही छोटा मुंह खोल लिया अच्छा खैर ऐसा ही है ठीक है तो ये जो है ना गुड इनकी एक और स्पेशल चीज एक तो इनकी उम्र सत्तर साल तक हो सकती है ठीक है और दूसरा इनकी एज का अंदाजा इनकी आंखों से लगा सकते हैं hmm. इस वक्त इनकी आंखें देखें ब्लैक कलर का डॉट नजर आ रहा है जी उसके इर्द गिर्द एक रिंग नजर आ रहा है रिंग का कलर क्या है वाइट। वाइट। अगर यही रिंग ब्लैक कलर का होता तो मतलब ये एक बेबी है यही रिंग अगर ग्रे होगा तो मतलब बेबी से थोड़ी बड़ी एज का हो रहा है ये रिंग अभी वाइट है मतलब ये दो साल के करीब का एक होता है यही रिंग जब येलो होगा यही रिंग जब येलो होगा तो इसका मतलब ये अडल्ट हो चुका है और ये साइज में इतना ही रहेगा तो उसके साइज से जो है ना हम अंदाजा नहीं लगा सकते इनकी आंखों से हम अंदाजा लगाते हैं वो क्या चीज है एक और आपके पास पैरेट है हेलो इसको भी उठा दे इसको यहीं बैठे रहने दे वाह वाह पंखे की जरूरत ही नहीं है फर्स्ट क्लास जबरदस्त आ जाए इसको भी उठा दे अब आया इन सबका सबसे ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव तोता हमारा काकाटुआ काकाटू पैरेट ये क्या चीज़ है भाई सर ये काकाटू टू है और इसे मीडियम सल्फर काकाटू कहा जाता है और ये इतने मैं कहता हूँ माशाल्लाह ये इतने इमोशनली सेंसिटिव है ये ऐसी अटैचमेंट बनाते हैं ना अपने ओनर के साथ और ये तो एक एक इनके अंदर सर एक मैं आपको एक चीज़ बताऊं सिर्फ इंसान सुसाइड नहीं करते तोते भी कर सकते हैं नहीं कर मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ एक लॉजिक से जब ये तोते डिप्रेशन में जाते हैं सबसे ज़्यादा ये चीज़ काकाटू में नोट किए मैंने जब ये तोते डिप्रेस्ड हो जाते हैं इनको यानी अगर सिर्फ पिंजरे के अंदर आप बंद करके रख दें इनको टाइम ना दें इनको इग्नोर करें या ये किसी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाए ये क्या करते हैं अपने परों को नोचना स्टार्ट कर देते हैं अपने परों को इतना खींचते हैं कि फ्रंट से गंजे हो जाते हैं आपने कुछ तोते देखे होंगे यहाँ से उजड़े हुए पीछे उड़े वो स्ट्रेस में आके ऐसा करते हैं उस बीमारी को कहते हैं प्लकिंग सुसाइड इंसान कब करता है डिप्रेशन में आके उसके बाद आखिरी स्टेज होता है अपने आप को सेल्फ हार्म करो नुकसान पहुंचाओ मार दो तोता अपने नष्ट तो नहीं काट सकता फांसी तो नहीं लगा सकता तो ये अपने आप को नुकसान ही तो पहुंचा रहा है, प्लकिंग एक तरह की सुसाइड हो गई इसने चुटकी की आवाज निकाली देखा भी चुटकी की आवाज निकाली <laughs> इसने ये वाली आवाज़ निकाली चुटकी मुझे तो ये, भी देख रहा है, पता नहीं अब ये सारे ऐसी ऐसी, ऐसी आवाजें निकालता है मैं आपको क्या बताऊँ गिलास टूटने की आवाज ऐसी निकालेगा आप बोलेगे कोई शीशे की चीज टूट गई है

इसकी क्या वो है मालियत उसकी वाइट वाली सर ये अभी मैंने खुद बाय किया था ढाई लाख रुपए का एक तो मेरा उड़ गया था जिसके पास गया वो लेके भाग गया ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में है। वो बेचारे को हमने बचपन से पाला था फिर ये मैंने अभी रिसेंटली ये बाय किया ये है ढाई लाख रुपए का ये लिया है और उसमें कुछ स्पीशीज़ हैं जो इससे ज़्यादा महंगी है ये सर इंडोनेशिया इसके अलावा दूसरे ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया में ये पाए जाते हैं मीडियम सल्फर काकाटू उसे कहते हैं इसके अंदर मोलकन काकाटू भी आते हैं डिफरेंट तरह की इसकी ब्रीड है एक काकाटू आता है जो फुल ब्लैक कलर में भी होता है वो काफ़ी महंगा है वो आजकल पाकिस्तान अच्छा में उसका परिंदा है जो सबसे ज़्यादा इग्नोर होता है और परिंदों में उसे बदमाश कहते हैं कवा अच्छा उसे इतना हकी हकारत से भी देखा जाता है और उसकी कोई फितरत में भी ना चोरी है क्रिमिनल डी वो चिड़ियाओं का खाना खाता है छीन के वो और चीजें करता है तंग करता है ये इस वजह से कव्वे के बारे में बाद जो है ना सर मैं उसको कहूँगा गैंगस्टर है वो गैंगस्टर है गैंगस्टर है।, है वो जब भी आएगा बंदे लेकर आएगा अकेले तो आते ही नहीं है और आप उनके खाली एक कव्वे तो को, को पकड़ के अब इसने उठा लिया मेरा प्ले कार्ड उठा लिया इसलिए ये मेरी स्क्रिप्ट दिखाई कैमरे में इसे की मैंने क्या लिखा है नो दो और वो आपको दे दी कि ये पढ़ ले ये क्या लिख रहा है नहीं देना इसे नहीं देना इसे

ये अभी ना तलाक लिख के देगा इसको <laughs> पहले ने पसंद आती है हमारी घड़ी खराब कर देता है तो बटन तोड़ देगा पेन तोड़ देगा नादिर भाई ये चोच के अंदर बहुत ताकत होती है तोड़ देते हैं ये तोड़ देगा ये करना क्या चाह रहा है मैं वो देखना चाह रहा हूँ ये एक्सप्लोर कर रहा है उसको तोड़ तोड़ दिया अच्छा कौवे की हम बात कर रहे थे कौवे कौवे एक तो गैंगस्टर में उसको कहूंगा एक तो ये गैंग में आते हैं बदमाश किस्म के होते हैं बहुत चालाक बहुत जाला, बहुत ज्यादा चालाक है और चीजें ये याद रख लेते हैं इवन बंदों की शक्लें भी पहचान लेते हैं हाँ, उसे मारते हैं बिल्कुल अगर आपने इनके किसी एक बंदे को नुकसान पहुंचा ये सारे आपके पीछे आ जाएंगे कह 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 करते हुए आपने देखा होगा जी गैंगस्टर ही झुंड में आते हैं बहुत ज्यादा शरारती है और ये हर तरह का खाना खा लेते हैं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हर तरह की चीज खा लेते हैं कामयाब परिंदा है उम्रें उनकी भी ज्यादा होती है उम्रें बहुत ज्यादा होती बहुत, बहुत पहले से अगर खेल तो लिया है तो दे दो आप बोल रहे थे कौन है नहीं नहीं मेरे अपने घर से नहीं आ रहा है नहीं तो ये किस टाइम लेकिन जानवर क्योंकि मेरी तो फैमिली के ओहो अरे स्टूडियो में शपाटर गधा स्टूडियो में ये मैं गधे से पूछ रहा हूँ भाई नहीं <laughs> कभी आप अंधेरे में एक सेकेंड इधर इधर ये पहले तो ये बताएं ये गधा है गधी है ये गधी है गधी है तो सही से पकड़े इसको आप सही से पकड़ा हुआ है नहीं आप थोड़ा सा एंगल सही है थोड़ा सा किस तरफ है अच्छा उस तरफ ठीक है और दूसरी चीज ये है कि इसका चश्मा सही करें और मोती का ऑपरेशन इसका कामयाब हुआ <hes Coin Channel> है उसकी मुबारकबाद पेश करता हूं आपको ठीक है नहीं ये तो स्टाइल के लिए पहना है मुझे ये बताएं कि अब मेरी ये औकात रह गई ये मेरे पास घदे आएंगे ठीक है और वो भी दो जोड़ी आप ले आए खट्टी और गधों के बारे में बताएं कुछ अब एक पोस्टर लगा हुआ एक एक और आ गई मीम गधे के बारे में बताएं कुछ है गधे आ गए सही है सही है अच्छा सर इसकी क्या खसूसियत है जो आप इससे यहाँ सर देखें पाकिस्तान के अंदर जो है ना इसका मजाक बनाया जाता है एक दूसरे के मुताबिक गधे के बच्चे <laughs> आपको पता है जॉर्डन का नेशनल एनिमल है ये गधा जॉर्डन का नेशनल एनिमल है सीरियसली सीरियसली ये जॉर्डन का नेशनल एनिमल है बहुत सारे कल्चर्स के अंदर इसको एज अ सिंबल लेते हैं मेहनत मेहनत के और एफ, मतलब जो एफर्ट ज्यादा करने के और मतलब मुश्किल हालात में अपने आप को वो करने के अच्छा ठीक है हाँ बिल्कुल ठीक है असल में उसको रोशनी पढ़ ली ना हाँ समझ तो रहे बात को और यही चश्मा मुझे पता चला है बाद में जब गधा फ्री हो जाता तो आप भी पैदे ठीक है नहीं ऐसा नहीं है अच्छा मेरे पास दूसरा है अच्छा ये, कौमी, ये कौमी जानवर है जॉर्डन का जॉर्डन का और हाँ। गधों को बहुत सारे कल्चर के अंदर जो है ना बड़ी अहमियत दी हुई है ये बड़े मेहनत कश जानवर होते हैं बिल्कुल तो पाकिस्तान में जो ना मैं इनका बड़ा फ्यूचर बड़ा ब्राइट देख रहा हूँ गधे सर आपको मैं आपको बताऊँ एक बछिया बछड़े से महंगा बिकता है मुझे किसी ने कहा यार ये गधे का गोश्त तो नहीं डाल के खिला रहे गधे मैंने कहा यार बात सुने आपको क्या लग रहा है कि गधा क्या सस्ता जानवर है गधा बहुत कमर्शियल जानवर है आप एक गधा तकरीबन एक अस्सी गज का पूरे ईटे उठा लेता है भाई गधा को मजाक है आप किसी को भी गधा बोल देते यार गधे का बच्चा आप उसके लेवल देखें आपने कितना लेवल बढ़ा दिया उसको

इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान के आप हालात देखें पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है मुझे तो लग रहा है गधा गाड़ियों में इजाफा हो जाएगा क्योंकि जब भी कोई आप मिसाल कर ले, लेने जाएं। आपको पे की जो आप बड़ी हो हो वो, वो कौन सी गाड़ी है जो आगे से अल्लामिया ने बनाई पीछे से इंसान ने बनाई गाड़ी बिल्कुल आगे गधा होता है तुम कर रहे हो आपने मुझे इतना कंफ्यूज कर दिया आज ऐसे सवाल आपने ये तो मैं डरता हूँ बताए ये एक तो मेहनती है सर मेहनती है अपने से दुगना तिगना वेट ये खींच सकते हैं ठीक है और बहुत मुश्किल हालात में भी सरवाइव कर जाते हैं ये मतलब कम खाकर एफर्ट ज्यादा कर लेते हैं देखें इन, इनको कोई चिकन मटन तो नहीं खिलाया जाता ये घास वगैरह पे पलते हैं लेकिन ये काम कितना करते जितना एक इंसान भी नहीं कर सकता उतना के जाते ऐसा ही है।, है और बहुत दफा हमने देखा है पीछे उसका सामान होता है और फिर उसके बाद सामान कम कर रहे होते देखे देना पड़ेगा ज्यादा हिसाब देना पड़ेगा गधों का भी हकूक है देखें हमारे जब शरीयत आ रही थी ना तो जानवरों के भी हकूक़ आए थे फौरन और इस पे कुफारे मक्का चीख उठे थे कि भाई वो तो जानवरों के भी हकूक़ मिल रहे हैं अब तो ऊंट पे भी और जानवरों पे भी गधों पे, पे भी हम सामान ज़्यादा नहीं डाल सकते उनके भी हकूक़ हैं तो हकूक़ हैं उसका ख्याल रखना है ये बात है और ये बच्चा कितने का है क्या सिलसिला है इसकी? सर ये तो हमने रेस्क्यू किया है इसकी जो अम्मी है ना वो रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी तो ये हमारे पार्क के आसपास ही जो जुगियाँ होती हैं वहाँ पे लावारिस खड़ा था तो उसको उठा के ले आए अभी ये बड़ा फ्रेंडली सा हो गया देखें कि अब सो रही है बल्कि सो रही है ये फ़ीमेल है ये गधी है तो आप इसको सर्दी वगैरह ना लगे इसलिए उसको टी शर्ट वी शर्ट भी हमने पहना दी थी आप वाली बात बिल्कुल इतफ़ाक़ करूंगा और ये प्लेटफॉर्म जो है ना अवेयरनेस के लिए भी बड़ा अच्छा है और हमारा काम भी यही है जो इनके साथ रोडों पे हो रहा है ना कि किस तरीके के बेल्ट पता है इनको यहाँ पे निशान पड़े होते हैं वो चमड़ी इनकी छिल जाती है जाती। तो आ, कम अज कम एक आप उससे इतना अर्न कर रहे हो एक अच्छा बेल्ट तो ले सकते हैं उसके उसके अच्छा लिए अच्छा बेल्ट ले सकते हैं और उसके बाद मारा जाता है छोटा डंडा होता है और मैं बता नहीं सकता वो डंडा कहाँ पे यूज करके इनको भगाया जाता है देखें बहुत बुरी बात सर ऐसा है बहुत बुरी बात है बहुत बुरी बात है और वो शोर मचाया जाता है जिसके डर से ये लोग भागते हैं ऐसा है। है। रेस होती है लियारी में ये, ये इसका एक खेल है। अच्छा आपको बताओ गधा गाड़ी जो यहाँ पे कराची में चल रही है इसकी भी एक यूनियन है इनकी भी यूनियन है उनकी ये रेसेस भी होते हैं और एक इंटरनेशनल एन भी कराची में काम कर रही है इन गधों के लिए बाकायदा उन गधा गाड़ी वालों को वो चीजें भी बताते हैं कि आपने किस तरीके से इनको रखना है उनके बेल्ट भी प्रोवाइड करते हैं और सारी चीजें करते हैं नहीं, बिल्कुल ठीक है तो आने वाला वक्त जो है ना है। दुनिया भर के अंदर तो इलेक्ट्रिक कारों का हो सकता है पाकिस्तान के अंदर क्योंकि अभी मसले मसाले तो गधा गाड़ी का मैं फ्यूचर देख रहा हूँ लोग तो अब इसको गिफ्ट भी करने लग गए कभी शादियों में कभी किधर तो इनका स्कोप बहुत है गधों का स्कोप पाकिस्तान में बहुत है यार टू बी इस चीज़ तो मैं आपको बोलूंगा आपके मुंह बेखा पॉडकास्ट तक पहुंच गया आपकी स्कोप चेक करें पहुंच गया मैं खुद हैरान हूँ और असल में एक गधे ने दूसरे गधे को उठाया हुआ है आई लव यू लेकिन माँ से इसका बतिनों हजरा आज ये मेरी एक बात याद रखिएगा जानवर कहते ही उसको है जो अपनी जान आप पे वार दे।, दे जान वार दे जानवर तो जानवर का एहसास करिएगा ख्याल करिएगा क्योंकि वो अपना दुख दर्द बताएगा नहीं आपको वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस टाइम इसको पानी देना है खाना देना है और क्या चाहिए इसको आएगा ये वो चीज़ें जो अल्लाह तबारक वाली ने इंसान की खिदमत के लिए बनाई है क्योंकि हम अशरफुलमखलूक़ात हैं ये चीज़ें हमारी नौकर हैं खदमत करती हैं हमारी हेल्प करती हैं एटलीस्ट हम इनके साथ अच्छा बर्ताव करें इसी में आफियत है इसी में इंसानियत है और इसी में अल्लाह खुश होगा जिम्मी मेरी जान बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल बिल्कुल कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो ना मैं इसका अपनी जो गदी है इसका जो ना मैं टिकटॉक पे चैनल भी बना रहा हूँ तो इसके नाम से डोंकी राजा या समथिंग कुछ क्वीन करके और इनके रिलेटेड गधों के रिलेटेड जो अवेयरनेस की वीडियोज़ हो वो क्रिएट करें बिल्कुल ठीक है ये बहुत पॉजिटिव साइड है आपकी और आप बिल्कुल मनाएं और आपका हक है क्योंकि देखिए बहिर बंदा औलाद के लिए तो कुछ करता ही है, है? महज़ खवातन हजरात इस पॉडकास्ट को अख्ताम करेंगे इस यकीन इस अपने पन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख़्याल रखिएगा मुझे जिम्मी को और ख़ूबसूरत सी गदी को दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफ़